हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाइब्रिड बाइकर अजय में, जहां हम आपको कुछ पलों के लिए साइकिलिंग की दुनिया में ले जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बाइक साइकिल के इस स्पीडोमीटर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपकी स्कूटी और बाइक में मीटर लगा हुआ होता है जो कि गाड़ी की स्पीड को दिखाता है और साथ ही गाड़ी कितने किलोमीटर चली है ये भी दिखाता है, तो ये बाइसाइकिल मीटर कुछ इसी तरीके से आपकी बाइसाइकिल कितने किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रही है या फिर आपका साइकिल कितना किलोमीटर तक चली है और साथ ही ये बाइसाइकिल मीटर टाइम भी दिखाता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं इस स्पीडोमीटर की। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं इसकी सारे फीचर्स यहाँ पे लिखा हुआ है और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि ये स्पीडोमीटर वाटरप्रूफ है। तो सबसे पहले इसे खोल लेते हैं। ये है नाइलॉन की टेल, इसका यूज मीटर को टाइट करने में होगा। ये वाला हिस्सा जाएगा व्हील के पास जो कि रीडिंग को स्कैन करेगा और ये है मीटर का होल्डर जो हैंडल बार में लगेगा और ये वाला हिस्सा जाएगा व्हील के स्पोक में और ये है मेन साइकिल कंप्यूटर और यहाँ में आपको दिया हुआ है एक मैनुअल जिससे हम पढ़कर इस मीटर को सेट कर सकते हैं। तो इस मैनुअल को पढ़ना ना भूलिए इस मीटर को सेट करने से पहले। तो सबसे पहले हम इस मीटर की सेल को लगा लेते हैं। अब करते हैं इस मीटर को सेट, तो इसे हम फटाफट सेट कर लेते हैं। तो ये मीटर सही तरीके से हमने सेट कर ली है। अगर आपको मीटर सेट करना नहीं आता है तो प्लीज एक कमेंट कर दीजिए और मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा मीटर को कैसे सेट करना है उसके ऊपर। तो चलिए अब हम इसे साइकिल पे फटाफट इंस्टॉल करते हैं। तो मैंने इसका माउंट को साइकिल के हैंडल में कुछ इस तरीके से लगा लिया है। उसके बाद जो इसका वायर है जो हम कुछ इस तरीके से ले जाके इसका जो सेंसर है उसको मैंने यहाँ पे लाके फिट कर दिया है और साथ ही इसका जो दूसरा सेंसर है इसे कुछ इस तरीके से मैंने स्पोक पे लगा लिया है और इसका जो मेन कंप्यूटर है मैंने यहाँ पे फिट कर दिया है। तो दोस्तों, अब बारी है इस मीटर को टेस्ट करने की। ये आप देख सकते हैं इसका जो मीटर है ये पूरी तरीके से काम कर रहा है। मैंने जब इसे बिना रिकॉर्डिंग के साइकिल चलाया था तब इसका रीडिंग 40 से 50 किलोमीटर के अंदर आ गया था। तो गाइस, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज एक कमेंट कर दीजिए और अगर आपको ये मीटर कैसे सेट करना है उसका वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। तो आज का ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।